दोस्तों, क्या सच में कुंग फू हसल मूवी का पार्ट टू आने वाला है? दोस्तों, क्योंकि ये मूवी इतना कमाल का है कि ये मूवी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये मूवी एक लावा का छोटा वाला मेरा फ़ोन था उसमें हमने देखा था। और इस मूवी में एक सीन है उसको मैंने ना जाने कितनी बार भगा करके देखा, मतलब मुझे ये मूवी इतना अच्छा लगा कि क्या बताएं आपको। और सच में यार मैं टू का बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ, इस मूवी का पार्ट टू कब आएगी कब आएगी। दोस्तों, स्टीफन चाओ जो इनके हीरो हैं और वो डायरेक्टर भी हैं बहुत अच्छे खासे, जिन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई है, उनके ऑल फिल्म के बारे में जाते हैं तो वहाँ पे दिखाता है बहुत सारे ऐसे मूवी है जो उनकी बनाई हुई है। और कुंग फू हसल टू का भी वहाँ पर पोस्टर देखने को मिलता है, तो इससे तो दोस्तों खा पूरा कन्फर्म है कि ये मूवी टू आने वाली है। मगर एक बहुत ही अफसोस की बात है कि ये स्टीफन चाओ बोले हैं कि इसमें वो खुद नहीं रहेंगे, वो बोलते हैं कि जो मार्शल आर्ट्स की मूवी है वो जिस हिसाब से समय बीतता है उस हिसाब से मूवी बदलती रहती है, इसलिए वो हीरो के रूप में किसी और को लेंगे और वो सिर्फ एक कैमियो करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, कब ये मूवी आती है, देखते हैं कब क्या होता है। मगर दोस्तों चलिए आज बात करते हैं कुंग फू हसल मूवी की, जो 2004 में चाइना में रिलीज़ हुई थी और 2005 में पूरा एशिया में रिलीज़ हुआ था ये मूवी। तो वो सीन चलिए आपको दिखाते हैं, वो कौन सा सीन है जिसे मैं बार बार पीछे करके देखता था, वो सीन देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये सीन देखिए, ये मूवी उसी मूवी का सीन है जो मैं बार बार रिपीट करके देखता था। देखिए कितना अच्छा, मतलब स्टीफन चाओ की मूवी का जो बात ही अलग है, मतलब यार क्या मूवी बनाता है। देखिए यही सीन था जो मैं देखा था बार बार भगा करके। दोस्तों ये मूवी तो वास्तव में बहुत ही कमाल की मूवी है, मतलब हर एक स्टेप मतलब कॉमेडी से पूरा भरा पूरा है और एक्शन के साथ बहुत ही अच्छा मूवी है। मगर ये सीन जो है यहाँ पे जो दिखाया गया है मुझे अलग ही कनेक्ट करता है, अलग ही फीलिंग कनेक्ट करता है। मतलब यार मैं बटन वाला छोटा सा एक मोबाइल था लावा का, उसमें देखा था ये फिल्म और ये सीन मैंने कितनी बार देखा भगा भगा कर, मुझे बहुत ही पसंद आया। मतलब जो ये इमोशन है ना, मतलब ये क्या कमाल की मूवी बनाई है। ऐसे दोस्तों देखते हैं इसका पार्ट टू कब आता है कब नहीं आता है, हमें भी बहुत इंतज़ार है और मैं तो ये मूवी नहीं छोड़ने वाला हूँ, पार्ट टू जब आएगा देखूँगा ज़रूर। और देखते हैं आप दोस्तों कि आप मूवी ये देखे हैं पहले से, तो देखते हैं क्या होता है।